नमस्कार, कृदम आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सरपुंखा। सरपुंखा ये जंगलों में होता है और रास्ते किनारे कहीं पाया जा सकता है। सरपुंखा ये इसकी ये देखिए, पहले मैं आपकी इसकी पहचान करा दूँगा, आप इसका अच्छे से पहचान कर लीजिए। ये उखाड़ के मैं आपको इसकी पहचान करा देता हूँ। ये देखिए, ये है, ये सरपुंखा है। ये आप इसको अच्छे से पहचान लीजिए। अभी इस पे फली आ रही है। ये सरपुंखा का पौधा होता है, इसको आप अच्छे से पहचान लीजिए। जंगलों में रास्ते के किनारे ये बहुत पाया जाता है और इसके गुणधर्म जड़ से लेकर इसके टहने, फूल, पत्ती और तना, ये सारी चीज़ें बहुत काम में आती हैं। ये देख लीजिए, इसकी पहचान हो गई। ये देखिए, इस पे नीले रंग के फूल आते हैं, नीले रंग के इस पे फूल आते हैं। और ये मूंगफली की तरह इसकी कुछ पत्तियां होती हैं, इसकी पत्तियां मूंगफली की, जैसे मूंगफली की होती हैं, इस तरीके की इसकी कुछ पत्तियां होती हैं। अब ये तो हो गई इसकी पहचान। अब मैं इसके गुणधर्म और इसके क्या क्या उपयोग हैं वो आपको मैं बताऊंगा। इसकी जड़ से लेकर फूल, पत्ती, टहने, तने तक सारी चीज़ें, सब चीज़ काम में आती हैं। इसकी जड़ जैसे किसी को भूख नहीं लगती है तो इसकी जड़ लो, इतनी इतनी जड़ ले लो। ये एक पौधे की जड़ को कूट पीस के इसको पानी में उबाल लो, और पानी में उबाल के सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम पियो तो भूख लगने लगेगी। छोटे बच्चे को या जैसे या बड़े को पेट में कीड़े हो जाते हैं तो वो कीड़ों में भी काम करते हैं इसकी जड़। और इसके जो ये टहना है, पूरा पत्ती पंचांग है, जैसे किसी को बार बार पेशाब आता है, किसी को बार बार पेशाब आता है तो पूरे जड़, पत्ती, फूल, पूरे का पंचांग लेकर के इसका पंचांग उसे सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम पिलाओ। ज़्यादा नहीं, बस 2-3 दिन, 4-5 दिन पिलाना है, और बार बार पेशाब आने की समस्या को भी ये दूर करता है। इसकी जो ये इस पर फूल आते हैं नीले कलर के जो ये फूल आते हैं, जैसे किसी की डाढ़ में दर्द, दाढ़ दांत में दर्द है, तो इसके फूलों को उबाल के ठंडा करके और कॉटन की सहायता से, रुई की सहायता से, जो दाढ़ या दांत आपके दर्द हो रहा है उसमें आपको रख देना है, तो दाढ़ में, दांत दर्द में एकदम आराम देता है। ये इसका फूल नीले रंग का था, अभी तो खैर नहीं आ रहा है, अभी तो फल आ रहा है, इस पर फल आ गया है। और घाव में भी यह बहुत काम करता है। घाव में इसको, इसके पत्तों को पीस करके और उसमें थोड़ा सा पीले कलर का जो ये फूल होते हैं, गेंदा का फूल होता है, थोड़ा सा गेंदा का फूल उसमें मिलाओ, और चोट चाहे कैसी भी हो थोड़ा सा उसमें हल्दी मिला लो। हल्दी, गेंदा का फूल और इसके पत्ते, तीनों को चटनी की तरह पीस के लुगदी बना के उसके ऊपर रख के बांध दो, तो आप देखोगे 2-4 दिनों में वो घाव को भर देता है ये। और ये दस्त में भी बहुत काम आता है, जैसे किसी को दस्त लग रहे हों तो इसका पूरे का पंचांग बना करके पिला दो तो ये दस्त में भी बहुत बहुत लाभदायक होता है। ये आप इसको अच्छे से पहचान लीजिए। यहाँ उत्तराखंड में कई जगह पाया जाता है, ये रास्ते के किनारे आपको कहीं भी मिल जाएगा। आज मैं यहाँ जंगल में आया था तो सोचा कोई इसकी आपको पहचान करा दूँ और इसके गुणधर्म के बारे में आपको बता देता हूँ। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।